हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ प्लम के इस फेस पैक का रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है प्लम ग्रेपसीड एंड सी बकथ्रोन फेस पैक का रिव्यू वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको मेरा वाला वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ प्लम का ग्रेप सीड एंड सी बकथ्रोन का रिव्यू फेस पैक का रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है ये इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड ये बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है। प्लम बहुत ही अच्छा ब्रांड है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए, प्लम बहुत ही अच्छा ब्रांड है। फ्रेंड्स, इसके सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबिन फ्री होते हैं, मिनरल ऑयल फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं एंड क्रुएल्टी फ्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा है एंड ये इसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो पूरे तरह से वेगन होते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है इस ब्रांड की। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 70 ग्राम का आता है एंड इसकी जो प्राइस है 450 रुपीज़ है और क्वांटिटी कम है लेकिन प्राइस काफ़ी हाई है इसकी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है आपकी स्किन पे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इसके अंदर में क्या क्या है, क्या क्या इनके की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में है केओलिन एंड बेंटोनाइट क्ले फॉर क्लींजिंग एंड एक्सफोलिएशन, एंटीऑक्सीडेंट रिच ग्रेप सीड ऑयल, हीलिंग सी बकथ्रोन ऑयल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में ग्रेप रिच ग्रेप सीड ऑयल है, बकथ्रोन ऑयल है, केओलिन एंड बेंटोनाइट क्लेज है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है इसके अंदर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है यहाँ में मेंशन किए गए हैं एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है, जो कि बहुत ही अच्छी शेल्फ लाइफ है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज कैसे करना है, इसको हमें एक थिक लेयर अपने फेस पे नेक पे अप्लाई करना है, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके एक थिक लेयर इस फेस पैक का हमें हमारे फेस पे अप्लाई करना है फेस पे नेक पे एंड 30 मिनट्स के लिए हमें हमारे फेस पे इसे रखना है एंड उसके बाद में हमें ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है अप्लाई करने का ना थोड़ा बहुत जल सकता है कुछ मिनट के लिए, शायद 1 या 2 मिनट के लिए आपके फेस को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है हल्का हल्का सा, बिकॉज इसके अंदर में केओलिन एंड बेंटोनाइट क्ले है, इसकी वजह से ये चीज इसमें पहले से मेंशन करी गई है। तो फ्रेंड्स, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ हो थोड़ा सा सेंसेशन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 मिनट 1 मिनट के लिए होगा देन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पैकेजिंग है इसका बहुत ही अच्छा है एंड इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को मैंने एक बार अपने फेस पे यूज किया हुआ है एंड इसको वंस इन ए वीक ही यूज करना है, एक वीक में एक बार ही आपको इसको यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है बेसिकली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत सारी चीजें जो होती है सूट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अंदर का इसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के है। तो फ्रेंड्स, ओके, ये इस तरीके का ट्यूब आता है इसके अंदर में एंड ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो उस दौरान भी आप इसको लेके जा सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसको मैंने एक बार यूज कर लिया है एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे फेस पे। फ्रेंड्स, अगर आपको पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम है, रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम है आपके फेस पे बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती है, तो फ्रेंड्स आप ये वाला फेस पैक जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड आप कोई भी फेस पैक यूज नहीं कर पाते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हर प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता है, देन आप इस प्रोडक्ट को एक ट्राई जरूर देके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा एंड ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा, बहुत ही ऑसमली वर्क करेगा आपकी स्किन पे। तो चलिए देखते हैं अब इसका टेक्सचर। सो फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है क्ले के जैसा ही है, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्ले के जैसा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने फेस पे इसकी थिक लेयर अप्लाई करनी है, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके आपकी इसकी आपको थिक लेयर अप्लाई करनी है एंड 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है अपने फेस पे, देन ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे स्किन के कलर से काफी सिमिलर है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। फ्रेंड्स, आप इस फेस पैक को इस तरह एक और तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसे मैंने ट्राई किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको पिंपल्स या फिर छोटे छोटे बम्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप इस क्ले मास्क को थोड़ा सा लेके अपने फिंगर पे जहां पे आपको पिंपल हुआ है वहां पे आप लगा लीजिए एंड ओवरनाइट आप इसको रहने दीजिए। 1-2 यूज में ही आप देखोगे आपके जो पिंपल्स है उसमें फर्क नजर आने लगेगा आपको
एंड किसी किसी को बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल होते हैं, तो वहां पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा ये वाला फेस पैक। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने करके देखा है तो मुझे काफी पसंद है इस तरीके से भी यूज करके। बिकॉज जो क्ले वगैरह होता है, नेचुरल चीजें होती है, ये सब बहुत ही अच्छे से वर्क करती है हमारी स्किन पे। तो ये वाला जो फेस पैक है ये कुछ इस तरीके का है, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। ज्यादा हार्श नहीं है, बट बहुत ही माइल्ड से रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। लगाने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे है, वही सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई है। तो अगर आप कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंक देते हो एंड आप सोच रहे हो कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर कब होने वाला है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सारी डिटेल्स भी यहाँ में मेंशन करी गई है। अगर आप कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंक देते हो तो भी आप यहाँ से सारी डिटेल वापस रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है ये मुझे काफी पसंद आया, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मेरा ये रिव्यू हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स।